नमस्कार। आज कक्षा 7 विषय विज्ञान में हम लोग गति और समय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गति क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो इसे हम गति कहते हैं। उदाहरण से हम लोग समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है और वह बिंदु ए पर है, यहाँ पर है, समय बीतता है और समय बीतने के कुछ समय बाद वह कुछ देर बाद वह बिंदु बी पर चला जाता है, यानी कुछ समय बीता तो जो वस्तु है उसकी स्थिति पहले ए थी, अब बी हो गई, तब हम इसे कहेंगे कि वस्तु गतिशील है, वस्तु गति कर रहा है। इस तरह से हम बता देंगे कि अगर कोई वस्तु में, अगर किसी वस्तु में समय के साथ उसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गतिशील होगी, गति की अवस्था में होगी। इसके बाद अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वह गति का प्रकार। तो गति का प्रकार जो है, गति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला जो है सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति और तीसरा दोलन गति। यानी गति 3 प्रकार का होता है, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। सरल रेखीय गति किसे कहेंगे? तो यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे तो वस्तु के इस प्रकार के गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति का उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़का सीधी सड़क पर साइकिल चला रहा है तो उस लड़के की जो गति होगी वह सरल रेखीय गति होगी। और उसका एग्जाम्पल है रोड पर मोटर कार, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस जो गति करती हैं उसको भी हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद से दूसरा जो गति का प्रकार है जिसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति को ध्यान से समझेंगे कि अगर कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करे, वृत्तीय पथ का क्या मतलब है, जैसे हम क्या करें, यहाँ पर एक डेढ़ बिंदु है, ऐसे किसी रस्सी को बांध के और इसमें जो है हम किसी पशु को बांध देते हैं, जैसे गाय को बांध देते हैं, तो गाय जो इस तरह से घूमेगी तो गाय की जो यह गति होगी एक वृत्तीय पथ पर होगी। इस प्रकार के गति को हम कहेंगे वृत्तीय गति। साइकिल का पहिया जैसे घूमता है तो वह जो गति होता है, अगर साइकिल के पहिए पर कोई मार्क लगा दें तो वह जो गति होता है वह वृत्तीय गति होगा। पंखा चलता है, पंखे के ब्लेड पर अगर हम कोई मार्क लगा दें, चिन्ह लगा दें, तो वह चिन्ह जिस पर गति करेगा उस गति को कहेंगे हम वृत्तीय गति। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो गति करती है वह भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करती है। अब तीसरा जो प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं दोलन गति। तो दोलन गति में आप बताएंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर बिंदु के दोनों तरफ गति करे
तो वस्तु के इस प्रकार के गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे आप घड़ी का पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी का जो पेंडुलम है वह स्थिर बिंदु के दोनों तरफ गति करता है, तो इस प्रकार के गति को हम कहते हैं दोलन गति। झूला देखे होंगे, झूला को जब बांध के लटका दिया जाता है और जब हम पुश करते हैं तो झूला एक बिंदु के दोनों तरफ गति करता है, तो इस प्रकार के गति को हम कहेंगे दोलन गति। ये गति का प्रकार था। इसके बाद हम लोग जानेंगे मंद तथा तीव्र गति। मंद तथा तीव्र गति। अब मंद गति किसे कहेंगे, तीव्र गति किसे कहेंगे, इसका आप लोग देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार के गति को मंद गति कहते हैं और किस प्रकार के गति को तीव्र गति कहते हैं। यदि कोई लड़का साइकिल चला रहा है और दूसरा लड़का जो है मोटरसाइकिल चला रहा है, तो दोनों में जो गति होगा, एक की जो गति होगी जैसे साइकिल वाले की जो गति होगी मोटरसाइकिल वाले से कम होगी, तो साइकिल वाले की गति जो होगी वह मंद गति होगी, जबकि मोटरसाइकिल वालों की गति जो होगी वह तीव्र गति होगी। दूसरा उदाहरण, कोई मान लीजिए बस से गति कर रहा है और कोई दूसरा लड़का जो है वह मोटरसाइकिल से गति कर रहा है, तो बस वाले की जो गति होगी वह तीव्र गति होगी और मोटरसाइकिल वाले की जो गति होगी वह मंद गति होगी। और इसका उदाहरण ले लीजिए, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है और हाथी दौड़ रही है, तो घोड़े और हाथी में किसकी गति तीव्र गति होगी और किसकी गति मंद गति होगी, तो घोड़े की जो गति होगी वह तीव्र गति होगी, जबकि हाथी की जो गति होगी वह मंद गति होगी। इस प्रकार अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे आँख के सामने घटित होती हैं, उसको देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी गति तीव्र गति होगी और कौन सी गति मंद गति होगी। इसके बाद हम लोग तीव्र गति और मंद गति के बाद जानेंगे दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या होता है इसको जानेंगे। तो इसको जानने के लिए एक उदाहरण से समझेंगे। कोई साइकिल सवार है और वह जो है किसी बिंदु से, किसी बिंदु P से गति करना शुरू करता है, कुछ समय बाद वह बिंदु Q पर आ जाता है, फिर जो है Q से वह R पर चला जाता है, फिर कुछ समय बीतता है और साइकिल चलाते चलाते वह बिंदु यस पर चला जाता है। तो साइकिल सवार कैसे गति किया, पहले P से Q किया, फिर Q से R गति किया, फिर R से यस पर गया। तो वह अपने गति के दौरान जितना कुल दूरी तय किया, कुल रास्ता जितना तय किया, उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसी को हम लोग कहते हैं दूरी। इसको एक बार और जान लेंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। इसमें वस्तु द्वारा, साइकिल सवार द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी, तो पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, उसके बाद आर एस, इतना दूरी वह साइकिल सवार तय किया होगा। इसके बाद से, दूरी के बाद से हम लोग जानते हैं चाल। चाल किसे कहते हैं, तो इसका बहुत ही आसान परिभाषा है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय का मतलब या तो वह एक सेकेंड होगा या एक मिनट होगा या एक घंटा होगा, मतलब समय का जो मान है वह एक होना चाहिए,
तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको इस तरह से भी बता सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए कुल दूरी में जब समय से भाग देते हैं तो जो राशि प्राप्त होता है उसी राशि को चाल कहते हैं, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय।